सबसे ज्यादा मेहनत यहीं पे हुआ है और ये है हमारा गुलाब जामुन जो कि काफी तेज भूख लगी है। ये मैंने बेला है, ये भी मैंने बेला है, ये गोल नहीं हुआ है, पूरी रखने का जुगाड़। क्या बात है, इतना गोल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग और आप सबको हैप्पी दिवाली, क्योंकि आज है दिवाली और अभी हूँ मैं अपने फ्रेंड के घर पे। और इतना आवाज़ आ रहा है, बच्चे इतना शोर कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर। मैं एक्चुअली अपने फ्रेंड गाइस मैं अपने एक फ्रेंड के घर पे हूँ और हम लोगों ने जो घर को डेकोरेट किया है कैंडल के साथ और लाइट के साथ वो मैं दिखाता हूँ आपको। और किचन वगैरह में भी खाना वाना बन रहा है, काफ़ी काम चालू है, शाम से ही चालू है। कैंडल के साथ और लाइट के साथ हम लोगों ने बालकनी और घर जो डेकोरेशन किया है वो मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से किया है हम लोगों ने, मतलब थोड़ा बहुत ट्राई किया है ठीक ठाक से। गाइस ये देख सकते हो, यहाँ पे हम लोगों ने एक बालकनी है और बालकनी के अंदर ये इस तरह का लाइट लगाया है, इधर भी है लाइट और ये थोड़ा दूरी पर है और इसको हम लोगों ने थोड़ा सा आसपास रखा क्योंकि बाहर है और बाहर में इतना आवाज़ आ रहा है, देख रहे हैं पटाखा इतना फोड़ रहे हैं बच्चे, तो ये जो सोसाइटी है पूरा इतना शोर हो रहा है कि आवाज़ भी नहीं आ रहा सही से। देख सकते हो यहाँ पे भी लाइट है और इधर कंप्यूटर रखा हुआ है, तो यहाँ पे भी दो लाइट लगाया हम लोगों ने और ये गिफ्ट रखा हुआ है। इधर भी ये जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर में भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से ट्राई किया है और उसके बाद जो रूम है उसके अंदर भी थोड़ा ट्राई किया है, इधर भी लगाया है थोड़ा बहुत, इधर भी है कैंडल वगैरह और इधर बालकनी है, इधर भी है, मतलब कोई जगह हम लोगों ने छोड़ा नहीं है। देख सकते हो इधर भी लगाया है और ये बाहर का नज़ारा देख सकते हो किस तरह का है, इसको बंद कर देते हैं। और ये रहा जो बालकनी है, सबसे ज़्यादा मेहनत यहीं पे हुआ है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने लाइट लगाया है पूरा और लाइट लगाने के बाद फिर नीचे जो है नीचे भी कैंडल लगाया है, इधर और इधर भी पूरा अच्छे से किया है और बाहर का नज़ारा देख सकते हो, बाहर का नज़ारा किस तरह से इतना ज़्यादा ये हो रहा है। ये जो बिल्डिंग है पूरा बिल्डिंग लाइट से भरा हुआ है, कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। ये जो कैंडल है वो छोटा वाला जो ये एल्युमिनियम का होता है वो है और ये आई थिंक ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं, हमको लग रहा है कि एक से डेढ़ घंटे में ही ख़त्म हो जाएगा, बट ठीक है ये तो ख़त्म भी हो रहा है। इस तरह का हम लोगों ने डेकोरेशन किया है, काफ़ी मज़ा आ रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये लाइट तो हम लोगों ने कल ही लगा दिया था, मतलब कल से ही लगा हुआ है, बट कैंडल जो है कैंडल आज लगा है, तो ये है कैंडल। और बाहर भी है और बाहर भी है, इधर उस दरवाजे के उस पार भी है दो। ये पूरा ऑयल जैसा हो गया, मतलब कैंडल में कैंडल था बट मोम जो है पिघल के पूरा ऑयल के जैसा हो गया है। तो गाइस सबसे ज़्यादा जो मेहनत हम लोगों ने किया है वो यहीं पर इसी बालकनी में किया है क्योंकि ये बालकनी थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से मतलब डेकोरेट करने की कोशिश की है। और पता नहीं आवाज़ आ रहा है कि नहीं, कितना शोर हो रहा है यहाँ पे, पटाखा इतने ज़्यादा मतलब कि पूरा धुआं धुआं हो गया है और वैसे भी पोल्यूशन ज़्यादा है तो थोड़ा कम जलाना चाहिए पटाखा, बट बच्चे मानने वाले नहीं है क्योंकि पूरा नीचे देख सकते हो बच्चे ही है नीचे, तो नीचे कितने सारे बच्चे हैं और पटाखा जला रहे हैं, पूरा धुआं धुआं हो गया है, मतलब जो सोसाइटी है ना पूरा धुआं से भर गया है, देख सकते हो धुआं धुआं हो गया हर जगह। ये है ना सर। गाइस मैं अपने जो फ्रेंड के घर पे आया हूँ, मैं थोड़ा आप लोगों से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, ये आप लोगों ने देखा होगा। हेलो गाइस, हैप्पी दिवाली। ये हमारे फ्रेंड नीरज भाई है और मैं इनके घर पे आया हूँ, तो मतलब हम लोग कल से ट्राई कर रहे थे कल से डेकोरेट करने के लिए, तो आज हम लोग मतलब एक दो घंटे से लगे हुए हैं। अभी इस तरह का डेकोरेशन किया है घर के अंदर और बालकनी में भी, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लगेगा। और ये हमारा अभिषेक जो कि इसका भी बहुत बड़ा हाथ है डेकोरेट करने में, और अभिषेक ने भी काफी मेहनत किया है। हम लोग सुबह से ही जब चश्मा लगा के हैं, चश्मा लगाओ ना, चश्मा क्यों नहीं लगा रहे? चश्मा लगा
तो ये सब था और काफी अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। और किचन के अंदर जो है वो खाना बन रहा है, मतलब कि शाम से ही बन रहा है, है? क्या बन रहा है? 12 भोग 12 भोग बन रहा है। सो और यहाँ गिफ्ट भी रखा हुआ है, तो गिफ्ट भी क्या है मुझे आइडिया नहीं है, बट गिफ्ट रखा हुआ है, काफी अच्छा गिफ्ट दिख रहा है। थोड़ा बहुत मतलब काम बचा हुआ है तो उसको कंप्लीट करके उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि एक आदमी आने वाला भी है, तो उसको फटाफट खत्म करते हैं खाना वाना बना के जो भी है। सो गाइस, मैं अभी हूँ किचन के अंदर और पिछले 2 घंटे से हम लोग लगे हुए हैं। ये गाइस देख सकते हो, इसके अंदर सब्जी वगैरह है और ये है हमारा गुलाब जामुन, और ये काफ़ी ज़्यादा था, मतलब अभी तो कम हो गया है, मतलब कल ही बना था और ये पूरा जो कढ़ाई है कढ़ाई भरा हुआ था, अभी थोड़ा कम हो गया है क्योंकि हम लोगों ने खा के ख़त्म कर दिया है, फिर भी अभी भी बहुत ज़्यादा है। सो अभी इतना बचा हुआ है और बाकी सब बन के रेडी है, और बाकी अभी पूरी वूरी बनेगा तो देख सकते हो यहाँ पे हमारे नीरज भाई लगे हुए हैं, पूरा तेल रोल डाल रहे हैं। ये कढ़ाई में बनेगा पूरी, और इधर भी 2 कैंडल लगाया है हम लोगों ने, तो इसमें पूरी बनने वाला है, और इधर सब सैलड का सामान है, और ये सब बन के ऑलमोस्ट रेडी है। तो जब पूरा बन जाएगा उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या बना। और ये देख सकते हो, ये है आटा, आटा सान के रेडी है, और अभी इसमें बनेगा पूरी। तो इसको क्या करना है, अभी ऐसे गोल मतलब बनाना है ना, छोटा छोटा गोली जैसा इस तरह से बनाना है, तो मैं भी यार बनाने के लिए पूरी बनेगा, और पूरी के लिए थोड़ा लगता है मेहनत, क्योंकि आटा का जो है गुदा के रखा गया है और इसको बनाना पड़ता है गोली छोटा छोटा, तो उसके लिए आदमी लगता है मतलब, तो मुझे थोड़ा सा करना पड़ेगा, काफ़ी टाइम हो गया है ऑलरेडी और बहुत कुछ काम बाकी है। सो चलो काम ख़त्म करते हैं, और काम ख़त्म करके खाना वाना बना के उसके बाद जब रेडी हो जाएगा फिर आपको दिखाएंगे कि हम लोगों ने क्या क्या बनाया है। सो गाइस, मैं जा रहा हूँ गोली बनाने के लिए, और इसको मैं आटा को लेके ऐसे करना है, और इसको गोली बन जाएगा और फिर बनेगा पूरी। तो मैं ये बना के देने वाला हूँ, और बनाने के बाद क्योंकि काफ़ी आटा है तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, सो इसको फटाफट करना बहुत ज़रूरी है, ऑलरेडी 8 बज गया है, तो अभी लगेगा कम से कम 1 घंटा लगेगा इसमें। जाइए सर, इसके साथ वो छुरछुरी है, छुड़वा का ये छुरछुरी छुड़वा के, मतलब आप तो छुड़वाएंगे ना छुरछुरी सब लोग, क्या जलाएंगे ना अभी? नीचे नीचे बालकनी मत करिएगा, वो काला काला ना धब्बा हो जाता है, नीचे जाना पड़ेगा, नीचे देखो ना सब चलेगा ना सब लोग नीचे बना के, चकरी थोड़ी है वो, नहीं वो गिरता है ना, मैं देखा ना उधर अंबरनाथ में, इधर राजम के बाजू में हुआ था यार, नहीं इतना बड़ा मत करिए, ज्यादा छोटा इतना छोटा चलेगा ना बना, नीचे हाँ नीचे देखो ना सब कर रहे, नीचे ही जाने का, नीचे कौन जाएगा छुरछुरी छुड़ाने, सब लोग चलेंगे ना हम एक बार बना के चलेंगे, छुरछुरी लेके गैस ना खत्म हो, गैस खत्म ना हो जाए, बस गैस लाल लग जाए, वही ना काफी टाइम है, ये चिपक गया पूरा, हल्का गीला हो गया, आटा थोड़ा गीला हो गया है, गोली बनाने में काफी दिक्कत हो रहा है हम लोगों को, बट कोई बात नहीं, हम परछन में डाल दो पूरा हो जाएगा, कितना ना चिपक जा रहा है, चिपक जा रहा है, ज्यादा गीला हो गया, ये बन गया गोली, इस तरह का गोली बनता है, थोड़ा आटा मतलब गीला हो गया है तो दिक्कत हो रहा है बनाने में, कोई बात नहीं बन जाएगा। क्या हुआ? गुलाब जामुन खाओ, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन क्या बात है, ले लो इधर आओ, पेपर मैं आपको दिखाता हूँ कितना गोली बन चुका है, इसको गोली बोलते हैं कुछ और भी नाम है, लोई 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 वो अच्छा आटे का जो लोई होता है ना वो हम लोग बना रहे थे एक्चुअली, मतलब उसको गोली भी बोलते हैं और लोई भी बोलते हैं। सो लोई अभी हम लोगों ने काफी बना दिया है, तो थोड़ा सा अभी
रुक के बनाएंगे क्योंकि काफी ज्यादा बन चुका है और इसको डालना है कढ़ाई में, तो कढ़ाई में डालने के बाद खत्म हो जाएगा फिर बनाएंगे। देख सकते हो इतना हम लोगों ने बना दिया है, काफी ज्यादा बन के रेडी हो गया है। तो इसको पहले इसमें बेलना पड़ेगा, उसके बाद बनेगा। थोड़ा खत्म हो जाने के बाद फिर स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी ऑलरेडी बन चुका है तो चिपक जाएगा, मतलब ऑलरेडी आटा गीला है तो चिपक सकता है, चिपक गया है पूरा इधर भी, ये भी चिपक जाएगा। ये क्या है इसमें रखा है पूरी, क्या बात कर रहे हो, अच्छा रहेगा स्पेशली पूरी के लिए आया है, क्या बात कर रहे हो, अरे गजब। सो गाइस ये देख सकते हो ये पूरी के लिए आया है और इसके ऊपर पूरी रखा जाएगा ताकि जो तेल है वो ये कागज ऑब्जर्व कर ले, इसके लिए आया है। बेला रहा है क्या सही से, गोल गोल, क्या बात है इतना गोल, ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं कि इतना गोल। तेल हो गया, तेल भी हो गया ऑलमोस्ट। मैं बेलूं क्या, क्या नाम है सर, हो रहा है क्या बात है, फूल रहा है, फूल रहा है, तेल गर्म है, मैं क्या बेलूं क्या, मैं हो रहा है, हो रहा है, क्या बात है, मस्त फूल गया। यहाँ पर रहता सही रहता है, ये मैंने बेला है, ये भी मैंने बेला है, ये गोल नहीं हुआ है बट ये थोड़ा ठीक है, पूरी रखने का जुगाड़ सबसे बेस्ट है अपना। गाइस किचन का काम खत्म हो गया और फाइनली सब कुछ बन के रेडी हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या बनाया है, काफ़ी ज़बरदस्त दिख रहा है और काफ़ी अच्छा बन गया है, बन के रेडी हो गया है। अभी हम लोगों को काफ़ी भूख लगी क्योंकि काफ़ी मेहनत हो गया, 6 घंटा मेहनत हो गया है, तो अभी हम लोग इसके बाद खाने वाले हैं। सो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या बना है। सो गाइस ये सब सारा जो खाना बना है काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है, देख सकते हो इधर चावल है, इधर पूरी है और ये मसाला पापड़, इधर सैलेड है और गुलाब जामुन हो गया और ये पनीर का सब्जी है, पनीर और मटर, और ये है, ये दाल है और ये किसी का सब्जी है, कि क्या बोलते इसको, सूरन का सब्जी है। तो ये मैं फर्स्ट टाइम खाने वाला हूँ, मुझे मैं इससे पहले कभी खाया नहीं है, तो ये सूरन का सब्जी है, बाकी दाल है, पनीर है और ये सब चीज़ें हैं। और अभी हम लोग थोड़ी देर में खाएंगे क्योंकि काफ़ी तेज़ भूख लगी है, तो ये सब बन के हो गया है रेडी। गाइस ये था आज का दिवाली स्पेशल ब्लॉग और हम लोगों ने क्या किया मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे डेकोरेट किया और खाने में क्या क्या बनाया है। सो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और हैप्पी दिवाली।